की तरफ से एक बार फिर जोरदार स्वागत है। बुंदेलखंड में महिलाओं की इज्जत महफूज नहीं है। दबंग आए दिन महिलाओं और नाबालिग बच्चियों पर अपना शिकार बना रहे हैं। बुंदेलखंड में महिलाओं की इज्जत महफूज नहीं है। दबंग आए दिन महिलाओं और नाबालिग बच्चियों का अपना शिकार बना रहे हैं और पुलिस इन दबंगों के सामने महज तमाशबीन बनी हुई है। ताज़ा मामला बांदा से सामने आया है, जहां पशुओं को चारा डालने गई एक नाबालिग के साथ दबंग ने तमंचे की नोक पर बलात्कार कर संगीन वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से चला गया। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जब वह अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची तो उसे पुलिस की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा और उसकी तहरीर के खिलाफ मामला छेड़खानी में दर्ज कर पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश शुरू कर दी। आज पीड़िता अपने परिजनों के साथ पुलिस उच्च अधिकारियों के पास फरियाद लेकर पहुंची तो यहां उसके न्याय का आश्वासन मिला है। शाम के अब झाड़ू लगा बैठे लचके हूँ चसके लचक के झाड़ लगा हूँ मैं यही दुखी मन में जाकर कहाँ से आओ पास नहीं आवा आवा तो एकदम कैमार पकड़ी सी मुँह दबाई सी मुँह दबा कर फिर कमर छोड़ दी से बंदूक निकाई सी बंदूक लगाई सी मुँह में कहाँ की जान को बोल दे तो गोली मार दे तो भगवान तेरी कुछ ना कहीं कोई तो उन्हें बोली हूँ कुछ आ जाए इतने घर लेके वो खेते में घटना में सब यहाँ कहाँ है आप कहाँ है भाई साहब हमारे बच्ची की भतीजी के साथ इसका बलात्कार हुआ और कहाँ का किसंडा यसाई जो है इसका बलात्कार न लिख करके इसको जो है छेड़छाड़ में केस को जो है अपना हल्का करना चाहते हैं, इसलिए हम कप्तान साहब के पास आए थे कि हमारा मुकदमा बलात्कार लिखा जाए और मुजरिमों को जेल भेजा जाए और डॉक्टरी उसकी करवाई जाए। अभी तक हमारा न डॉक्टरी हुई न हमारा मुकदमा लिखा गया, खाली जो है छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। क्या कहा जी यहाँ कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। क्या आश्वासन दिया? एक सीओ साहब बैठे तो कह रहे थे कि आप वहाँ जाइए बिसमला वहीं सब हो जाएगा वहीं जाइए। क्या आश्वासन दिया? यह हमारे यहाँ बिसंडा थाने में एक बिलगांव चौकी है, उसके अंतर्गत 22/5 की घटना है और इस मामले में पहले ही जो इसकी माँ शहीदा द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है पीड़िता के बारे में, इसके बारे में आप इसके पिता ने पूर्व में ही 24 तारीख को FIR दर्ज करा रखी है और प्रॉपरली जो उस उन्होंने दिया था उनके कंटेंट के हिसाब से मुकदमा दर्ज है और ये मुकदमा अपराध संख्या। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।